बद इंतजामी की वजह से पाकिस्तान महंगाई के हिसाब से दुनिया के बड़े मुल्कों में नंबर 3 पर आ गया। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं आज भी इस पाकिस्तान में। इनमें से 2 करोड़ का इजाफा पिछले 4.25 बरस में हुआ, जबकि इसी दौरान 60 लाख लोगों को बेरोजगार भी हो गए। अपने 4.25 साल की मुद्दत में साबिका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया, जो कि लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन से लेकर अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो शहीद, मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब स्पीकर आपके समेत तमाम वज़रा आज़म की हुकूमतों ने 71 साल में जितना कर्जा लिया उसका 80% कर्जा इमरान खान ने सिर्फ 4 साल में ले लिया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने आमदन से ज्यादा खर्च किया और पाकिस्तान की तारीख के 4 बुलंद तरीन खसारे के बजट पेश किए। इनका औसत बजट खसारा 8.6% के करीब रहा। इस दौरान सालाना तकरीबन 5,000 अरब रुपए का कर्ज बढ़ाया गया और रवा माली साल में 5,100 अरब रुपए का खसारा मुतवक्को है। इसी तरह बिजली के गर्दिशी कर्जा 1,062 अरब पे हम मई 2018 में छोड़ के गए थे, अब 2,500 अरब रुपए के ऊपर हो गया है और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा गैस के शोबे में गर्दशी कर्जा देखने में आया, जो मार्च 22 में 1400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मेरे कायद वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम से कम की गई। महंगाई की शरह तकरीबन 5% के करीब थी, जबकि अफरात जर के कम से कम होने की शरह 3.9% रिकॉर्ड की गई। पिछले 4.25 साल की बद इंतजामी की वजह से पाकिस्तान एक मुस्तकिल महंगाई की लहर में है, क्योंकि गुज़िश्ता वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं प्याज और टमाटर की कीमतें देखने नहीं आया बल्कि मुल्क को अजीम बनाने आया हूं। मुझे नहीं मालूम कि गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पीस कर मुल्क कैसे अजीम बनता है। जनाब स्पीकर, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान की हुकूमत आते ही चीनी और आटे की कीमतें क्यों बढ़ गईं। 2013 में चीनी की कीमत 55 रुपए किलो थी और 2018 में जब हम गए तो चीनी की कीमत 53 रुपए फी किलो थी, मगर फिर 2018 के बाद चीनी की कीमत पर लग गए और वो बढ़ते बढ़ते 140 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। लेकिन फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ आ गए जो इसको वापस 70 रुपए फी किलो पर खींच के लाए हैं। इसी तरह 2018 में जब हम छोड़ के गए तो आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, जो नए पाकिस्तान में बढ़कर 80 रुपए किलो फी किलो पहुंच गई। मगर फिर शहबाज शरीफ आए जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स और बहुत सी खसूसी दुकानों में आटा 40 रुपए फी किलो फराहम करना शुरू किया है। जनाब स्पीकर, जब हम गए तो पाकिस्तान चीनी और गंदम बरामद कर रहा था, मगर अब हम इस साल 3 मिलियन टन आटा दरामद करने पर मजबूर हैं, गंदम दरामद करने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता दौर में महंगाई को बढ़ाने में तवानाई की कीमतों का भी दखल है। हम तवानाई का मसला बड़ी हद तक हल कर चुके थे। तवानाई के इस बौरान में दोबारा शिद्दत लाने की जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत की गुज़िश्ता 4.25 साल की गलत पॉलिसियां और फैसले हैं। उन्होंने हमारे किए हुए LNG के सस्ते सौदों पर झूठे इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से यहां बैठे हुए अकाबरीन को झेल भी काटनी पड़ी। हमें भी यह गवारा होता अगर ये LNG सस्ते नरखों पर ले आते, मगर उन्होंने कोविड की वजह से मयसर होने वाले सस्ते तरीन नरखों पर लॉन्ग टर्म माहदे करने के बजाय महंगे दामों पर स्पॉट परचेस की। इसी वजह से हमें भी फौरी जरूरत के लिए महंगी LNG खरीदना पड़ रही है। इसके बावजूद हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए और मुझ समेत यहां पर कई मौजूद रहनुमाओं को जेल में डाला गया, बल्कि हमारी बहनों और बेटियों को भी इसमें घसीटा गया और आज वो भी पेशियां और अदालतें भुगत रही हैं। फरवरी के आखिर में जब इमरान खान की हुकूमत को लगा कि उनकी रुख्सत के दिन करीब हैं, तो उन्होंने कोलेशन हुकूमत के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, जो दरअसल रियासत पाकिस्तान की मईशत के लिए बारूदी सुरंगें थीं।
जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई जबकि हुकूमत का खजाना कर्ज मांगकर चल रहा था, इनके इस कदम से हमारी रियासत एक संगीन इक्तसादी बहरान में फंस गई जिसको निकालने की कोशिश अब तक जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की कीमतों के पेश नजर कम आमदनी वाले तबके को तहफ़ देने का फैसला किया है। चुनाचे इनकी हिदायत पर 40,000 रुपए महाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए महाना मदद देने का फैसला किया गया है, जो कि जून 2022 में नाफिजुल अमल है। इसमें तकरीबन 8 करोड़ से जायद लोग फायदा पहुंचेगा ये इमदाद माली साल 2022-23 के बजट में भी शामिल कर दी गई है। मैं इसमें जरूरी नहीं कि किसी के पास कार या मोटरसाइकिल हो, बल्कि जो आवाम बस में सफर करते हैं वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। जो मुस्तहक अफराद बिस में पहले से रजिस्टर्ड हैं, इनको जून के महीने में ऑटोमेटिकली 2,000 रुपए इजाफी अदायगी की जा रही है। इनमें मजीद 60 लाख खानदानों को शामिल किया जा रहा है जिनको हर महीने जून समेत 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेकाम देखने में आया, मगर फिर इतने दर्जे की माशी बद इंतजामी की बिना पर 2018 से 2022 के दरमियान रुपए की कदर तकरीबन 61% में कमी वाके हुई, जो डॉलर के मुकाबले में 115 रुपए से 189 रुपए तक पहुंच गया। और हम बद इंतजामी के आफ्टर शॉक्स की वजह से 2000 की हद भी पार कर गए, मगर हमने करेंसी को इस्तेकाम देने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इकदाम काम आएंगे। बजट की तफसील में जाने से पहले हुकूमत की सोच और तरजीहात पर कुछ बात करना चाहूंगा जनाब स्पीकर। वजीर आजम चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, बिलखसूस वो गरीब आवाम जो महंगाई के इस तूफान से लड़ने की सकत नहीं रखते। इस मकसद के लिए हुकूमत ने इमदाद और सब्सिडी के लिए कई इकदाम किए हैं, लेकिन ऐसे मुस्तकिल बुनियादों पर करने के लिए हमें जराए फराम करने होंगे। इस मकसद के लिए यही तरीका है कि हायर इनकम अर्निंग्स पर स्पेशल टैक्स लगाए जाए और इस तरह दौलत का रुख गरीब आवाम की तरफ मोड़ा जाए। इस मकसद के लिए आमदन पर टैक्स या ऐसी अशिया पर टैक्स लगाए जाए जो ज्यादा आमदन वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं और मुतवासित तबके और गरीब आवाम कम से कम इस्तेमाल करते हों। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत की बजट फिलॉसफी यह है कि हम एक तरफ जरई पैदावार में इजाफा करेंगे ताकि ना सिर्फ काबिले काश रकबा बढ़े बल्कि फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा हो, खास तौर पर खुर्दनी तेल पैदा करने वाली फसलों मसलन मकई, सूरजमुखी और कनोला की काश में इजाफा किया जाएगा ताकि जरई दरामदाद में कमी आए और जारी अखराजात के खसारे में भी कमी लाई जा सके। दूसरी तरफ हम ऐसी सनअतों को तरक्की देंगे जिनकी पैदावार बरामद की जा सके। इस तरह हमें कीमती जरा मुबादला हासिल होगा और बैरूनी अदायगियों का तनासुब या बैलेंस ऑफ पेमेंट को पायदार बुनियादों पर दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, आपकी इजाजत से अगर एक थोड़ा सा पानी पी लूं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, नए महसूलात के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो महसूलात इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं इनके इंतजाम और मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। अगर मौसूलात में चोरी को खत्म कर दिया जाए तो गुज़िश्ता पौने चार सालों में बढ़ गई थी तो खातिर ख्वाह हद तक इजाफी वसूली हो सकती है। एक तखमीने के लिहाज से टैक्स की लीकेज या चोरी तकरीबन 3,000 अरब रुपए तक पहुंच गई है और वजीर आजम साहब ने एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो इस लीकेज को कम करने में कोशा रहेगी। इसके साथ साथ हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी कोशा हैं। किफायत शारी के इकदाम, जनाब स्पीकर, किफायत शारी हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
हुकूमती अखराजात में कमी इस बजट का हिस्सा है। हम इस सिलसिले में ठोस इकदाम कर रहे हैं, सिर्फ जबानी खर्च जमा खर्च नहीं कर रहे। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा फर्नीचर वगैरह की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। काबीना और सरकारी अहलकारों के पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी है। जनाब स्पीकर, बजट में पेंशन की मद में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। दीगर ममालिक की तरह हम पेंशन फंड कायम कर रहे हैं जिसके लिए रकम जारी कर दी गई है। इस साल पहले साल इसमें हम एक 10 अरब रुपए की रकम पेंशन फंड में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आजम के विजन के मुताबिक मईशत को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए हमारी टीम ने मीडियम टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वजह किया है। मुझे कामिल यकीन है कि इसके जरिए मईशत सही रुख इख्तियार करने में कामयाब होगी। हमारे लिए बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारे के बगैर ग्रोथ हासिल करना है। लिहाजा अगले साल तवाजुन को खराब किए बगैर कम अज कम 5% ग्रोथ हासिल की जाएगी। इस तरह GDP को 67 खरब से बढ़ाकर अगले माली साल के दौरान 78.3 खरब रुपए तक पहुंचाया जाएगा। अफरात-ए-ज़र, जनाब स्पीकर, इस वक्त अफरात-ए-ज़र 11.7% है, जो कि गुज़िश्ता 10 बरसों के मुकाबले में सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत को इदराक है कि गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बेहतर बनाते हुए महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले माली साल में अफरात-ए-ज़र में कमी करके 11.5% पर लाया जाएगा। FBR टैक्सेस, जनाब स्पीकर, इमर्जिंग मार्केट्स ममालिक में टैक्स की शरह GDP के तकरीबन 16% है, मगर पाकिस्तान में इस वक्त ये शरह 8.6% है। अगले माली साल के दौरान ये शरह 9.2% तक ले जाने की तजवीज़ है। 2017-18 में, याद रहे जनाब स्पीकर, हम ये शरह 11.1% पर छोड़ के गए थे। मजमूई खसारा जो इस साल GDP का 8.6% है, इसमें बदतरीज कमी लाई जाएगी। अगले माली साल के दौरान इसमें कमी लाकर 4.9% तक लाया जाएगा। इस तरह मजबूरी प्राइमरी बैलेंस, जो कि GDP का मनफी 2.4% है, इसमें बेहतरी लाकर अगले माली साल में इसको मुस्बत 0.19% पर लाया जाएगा। यानी कि हम नेगेटिव डेफिसिट को प्राइमरी सरप्लस में इंशाअल्लाह ताला कन्वर्ट करेंगे। तिजारती खसारा, हमारे हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए अहम इकदाम उठा रही है और दरामद के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, ताकि तिजारती तवाजुन अमल में लाया जाए और डॉलर की कीमतों का तायुन खुद ब खुद सही रास्ते पर गामजंद हो जाए। दरामद जो इस वक्त 76 अरब डॉलर तक एक्सपेक्टेड हैं, अगले माली साल में इनमें कमी लाकर 70 अरब डॉलर की सतह पर लाई जाएंगी। बरामदात इस वक्त 31 अरब डॉलर का तखमीना है, अगले माली साल में इनको 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने की इकदामात किए जाएंगे। इन इकदामात से करंट अकाउंट बैलेंस को GDP का मनफी 4.1 से घटाकर अगले माली साल में GDP का मनफी 2.2% पर लाया जाएगा। तरसीलात ज़र, जनाब स्पीकर, रवां साल में रेमिटेंस 31.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुए हैं होंगे। अगले माली साल में तरसीलात ज़र की टारगेट 33.2 अरब डॉलर रखने की तजवीज़ है। कौमी कर्जा, जनाब स्पीकर, इस साल इंटरेस्ट पेमेंट में कुल अखराजात 3144 अरब रुपए होंगे, जिसमें डोमेस्टिक इंटरेस्ट की पेमेंट 2770 अरब रुपए और एक्सटर्नल इंटरेस्ट पेमेंट 2373 अरब रुपए होने का तखमीना है। जबकि अगले साल इस मद में कुल अदायगी 3950 अरब रुपए होने का तखमीना है, जिसमें 3439 अरब रुपए अंदरूनी और 511 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के मद में खर्च होंगे। पब्लिक डेट, जनाब स्पीकर, जो 2017-18 में 25,000 अरब रुपए था, मार्च 2022 में 44,365 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि GDP का 72.5% है।
हमने माली साल के आखिरी दो माह में अखराजात में कमी के जरिए कर्ज में इजाफे की रफ्तार को कम किया है। कानून के मुताबिक हुकूमत को कर्ज देने की हद GDP का 60% मुकर्रर की गई है। 2005 का FRDLA में तरमीम के जरिए वजारत खजाना के डेट मैनेजमेंट ऑफिस के माहरीन फराहम किए जाएंगे। फराइज की बजा आवरी के लिए इसके मैंडेट और इख्तियारात में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा रहा है ताकि कर्जों का इंतजाम मौजूद बुनियादों पर इस्तवार किया जा सके। यहां पर मैं ऐवान को यह आगाह करना चाहूंगा कि साबिका हुकूमत ने डेट की रीप्रोफाइलिंग करते वक्त 2029 में 5400 अरब यानी 5,40,000 करोड़ रुपए एक साथ अदा करने का मंसूबा बनाया था। तस्वर कीजिए जनाब स्पीकर, क्या पूरी डोमेस्टिक मनी मार्केट एक ही बार इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। हम इस बहुत बड़ी कर्ज अदायगी की रकम को टुकड़ों में बांटकर हुकूमत और मकामी मार्केट के लिए काबिल अदायगी बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, बजटरी एलोकेशन की चीजा चीजा बातें बताने से पहले मैं आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का एक जायजा पेश करना चाह रहा हूं। अब मैं बजट की खसूसी इकदाम बयान करूं। रवा माली साल में FBR के रेवेन्यूज 6,000 अरब रुपए होंगे, जिसमें सूबों का हिस्सा 3,512 अरब रुपए रहा। वफाक का नेट रेवेन्यू 3,803 अरब रुपए रहा। वफाक ही हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,315 अरब रुपए होने की तवक्को है। कुल अखराजात 9,118 अरब रुपए होंगे। PSDP के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे। डेट सर्विसिंग की मद में, जैसा मैंने कहा, 3144 अरब रुपए खर्च होंगे। डिफेंस पर 1450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए, पेंशन पर 525 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 1515 अरब रुपए खर्च होंगे और ग्रांट की मद में 1090 अरब रुपए खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1242 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें BISP, बैतुल माल और दीगर महकमों की ग्रांट शामिल हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जनाब स्पीकर, अब मैं अपने पसमानदा और गरीब बहनों और भाइयों के लिए किए जाने वाले इकदाम का जिक्र करता हूं। इनके लिए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में इजाफा किया है, जो 2021-22 में 250 अरब रुपए थी। 2022-23 के बजट में ये रकम को बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में पूरे साल। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح जनाब स्पीकर, मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में फिर से शुरू पढ़ लेता हूं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है, जो 2020-21 में 250 अरब थी, 2022-23 के बजट में यह रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है, जिसकी वजह से हर महीने चीनी और आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 5 अरब रुपए की इजाफी रकम रखी गई है रमजान पैकेजेस के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में। अगले माली साल में बिस के तहत 90 लाख खानदानों को बेनजीर किफालत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनजीर तालीमी वजायफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा, इस मकसद के लिए 35 अरब रुपए से जायद की रकम रखी गई है। 10,000 मजीद तलबाओं को तालिब इल्मों को 10,000 मजीद तालिब इल्मों को बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिसके लिए 9 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। बेनजीर नशो नुमा प्रोग्राम के तहत बेनजीर नशो नुमा प्रोग्राम तमाम इजला तक बढ़ा दिया जाएगा, जिस पर तकरीबन 21.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तैक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। अवाम और सनत और तजारत के लिए तवानाई कलीदी अहमियत रखती है। इन शोबों और अवाम के लिए हमने अपने पहले 3 महीनों के दौरान 214 अरब रुपए इजाफी सब्सिडी अदा की है, ताकि साबका हुकूमत के दौर की बकाया जात के बोझ में कमी लाई जा सके। अगले माली साल के दौरान इस मद में 570 अरब रुपए की रकम रखी गई है, ताकि गर्मी की सख्त मौसम में के दौरान अवाम बिजली का खर्च बर्दाश्त कर सकें। पेट्रोलियम के शोबे में हमने बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए की रकम इजरा की है और अगले माली साल के लिए 71 अरब रुपए मुहैया किए हैं। हम जल्द गैस के नए नरखों का ऐलान करेंगे, जिसके तहत सनतों के अलावा दीगर ममालिक सनतों को इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में कंपेरेटिव रेट्स पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे मुल्क की बरामदाद में इजाफा होगा। तालीम, जनाब स्पीकर, कई माली मजबूरियां और इस हकीकत के बावजूद कि ये शोबा अब सूबों को मुंतकिल कर दिया गया है, हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। इसके अलावा 44 अरब रुपए HEC की तरक्कियाती स्कीमों के लिए रखे गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 67% जायद हैं, जो नौजवान नस्ल के लिए हमारी कमिटमेंट का सबूत है। मुझे खास तौर पर बड़ी खुशी है कि इन पैसों से नॉर्थ वजीरस्तान में भी एक यूनिवर्सिटी इस साल बनाने का आगाज होगा। हम सूबों को कायल कर रहे हैं कि वो आइंदा सालों के दौरान आला तालीम के शोबों की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी निभाएं। HEC के बजट में बलूचिस्तान और जिम्मशुदा इलाकों के लिए 5,000 वजाइफ शामिल हैं। बलूचिस्तान के साहली इलाकों के लिए अलग से स्कॉलरशिप शामिल हैं। मुल्क भर में तलबा को 1,00,000 लैपटॉप आसान इकसाद पर फराहम किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तालीम को अपग्रेड करने के
غرض سے سٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں. زراعت اور فوڈ سیکیورٹی. زراعت وطن عزیز کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. دیگر اقدامات کے علاوہ ہم نے فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے ہیں تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے. وزارت بڑائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے ایک 3 سالہ گروتھ اسٹریٹجی ترتیب دی ہے. اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا، کسان کو خوشحال کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا، سمارٹ زراعت کا فروغ، خود انحصاری، ویلیو ایڈیشن اور ایگرو پروسیسنگ ہے. میں یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اور بلوچستان کے چھوٹے ماہی گیروں کی آسانی کے لیے پورٹ کلیئرنس یعنی پی سی کی شرط ختم کی جائے گی. یہ میرے بھائی عبد القادر پٹیل کی خصوصی سفارش تھی اور اس سے مجھے خوشی ہے کہ میں عمل کرتا آیا ہوں. نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں. نوجوانوں کے لیے اقدامات. جناب اسپیکر، نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں. نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام عمل میں لایا جائے گا. نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں. فارغ التحصیل نوجوانوں کو ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لایا جا رہا ہے. یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی. نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرضے اور 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے جانے کی اسکیم کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے. قرضہ اسکیم میں خواتین کا کوٹا 25% مختص کیا گیا ہے. نوجوان خواتین کی معاشی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کو ہائی ٹیک اور دیگر اسکالرز میں ترجیح بنیاد پر تربیت فراہم کی جائے گی. ملک بھر میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں گے. ان سینٹرز کے ذریعے نوجوان ایک انٹیگریٹڈ جاب پورٹل تک رسائی ہے اور اس سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں گے. ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہوئے گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز کیا جائے گا. میرٹ کی بنیاد پر مفت لیپ ٹاپ دینے، ہر کسی کو قسطوں پر لیپ ٹاپ دینے اور 250 منی اسپورٹس اسٹیڈیم بنانے کے لیے رقم رکھی گئی ہے. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو حوصلہ افزائی کے لیے انوویشن لیگ کا بھی آغاز کیا گیا ہے. 11 سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ اور اسپورٹس ڈرائیو پروگرام بھی تشکیل دیا گیا ہے. صنعت و تجارت. جناب اسپیکر، صنعت کسی بھی ملک کے لیے نہایت ضروری ہے. کارخانوں میں بنی ہوئی اشیاء نہ صرف برآمد کی جاتی ہیں بلکہ ملک کی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں. ان کی اہمیت کو پیش نظر وزارت صنعت و پیداوار نے ایشیائی ترقی بینک کے تعاون سے صنعتی پالیسی کا کام شروع کر دیا ہے. جناب اسپیکر، پچھلے 3 سالوں میں ایکسپورٹرز کو ڈی ایل ٹی ایل کے بقایا جات کی ادائیگی بہت سست رفتاری سے ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ ایکسپورٹرز کے تمام کلیم فوری طور پر ادا کیے جائیں. اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تصدیق شدہ 40.5 ارب روپے واجب الادا ہیں. ہم یہ رقم فوری طور پر ادا کر رہے ہیں اسی طرح مالی مشکلات کے باوجود سیلز ٹیکس کے ریفنڈ بھی فوری ادائیگی کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز پہ پچھلے 3 مہینے پہلے ایک سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا، اور نہ صرف سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا بلکہ ستم ظریفی یہ تھی کہ ان کے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے تھے. ہم ان کے ریفنڈز فوری طور پر جاری کر دیں گے اور فاسٹ ٹریک سے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے ریفنڈ دیے جائیں گے. صنعت کاروں کو مسلسل بجلی فراہم کرنے کے لیے انڈسٹریل فیڈرز کی لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنا کیا جائے گا. سرمایہ کاری. جناب اسپیکر، ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقہ کار کا خاتمہ ہوگا. ہماری حکومت عام شہریوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में इस्लाहात लाएगी, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि यह निज़ाम सस्ता, सादा और मौसर हो। इस सिलसिले में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाएगा, जिसमें तनाजात के मुताबिल के मुतमादिल हल का निज़ाम भी शामिल होगा। ये इस्लाहात आला अदालतों के मशावरत से लाए जाएंगे ताकि इन पर बरवक्त अमल करवाया जा सके। साबिका हुकूमत ने एक भी नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाया। 2018 तक सीपैक के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सा काम मुकम्मल किया जा चुका था और अब इसको मईशत के लिए बरूए कार लाना जरूरी है। चीन की हुकूमत के साथ ये तय पाया था कि सीपैक के रूट पर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, जिन पर चीन और दीगर ममालिक के सरमायाकारों को कारखाना लगाने की सहूलत फराहम की जाएगी। ताहम गुज़िश्ता हुकूमत ने इस काम की रफ्तार में बहुत सी रुकावटें खड़ी की और अभी तक एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेशनल नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा में राशकाई, पंजाब में लाहौर और सिंध में दाबीजी के मुकाम पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फौरन बिजली और गैस फराहम करके अव्वलीन फुर्सत में स्टार्ट किया जाए। सकाफत और फिल्म इंडस्ट्री का फरोग। जनाब स्पीकर, सियाहत के में इजाफा, माशरती और समाजी तनाव, आलमी सतह पर पाकिस्तान की सकाफत और में बेहतरी लाने के लिए फिल्म और सकाफत, विरसा, ड्रामा और फनून लतीफा का फरोग लाजिम है। 2018 में मुल्क की तारीख में पहली फिल्म और कल्चरल पॉलिसी हमारे दौर में काबीना ने मंजूर की थी। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 4 साल में इस पर अमल ना हुआ, ना ही ये अमल आगे बढ़ सका। 2018 की फिल्म और कल्चरल पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज करते हुए फिल्म को सनत का दर्जा दिया गया है। 1 अरब सालाना की लागत से बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड कायम किया करने के साथ फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की भी जारी की शुरू की जा रही है। फिल्म साजों को 5 साल का टैक्स, नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म मेकर्स के कयाम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। ड्रामे की एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट, जबकि सिनेमा और प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स से इस्तस्ना दिया जा रहा है। 1 अरब की लागत से नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट और पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी के अलावा नेशनल फिल्म स्टूडियो का कयाम अमल में लाया जा रहा है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पे आयद 8% विदहोल्डिंग टैक्स का खत्म करने की तजवीज है। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी, आलात और साजो सामान के इम्पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में 5 साल का इस्तस्ना होगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रख रही है। 2017-18 में हम वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए पर छोड़ के गए थे। अब जो हमने हुकूमत संभाली तो ये तकरीबन आधा रह गया। वफाकी हुकूमत ने अपनी आमदन से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहा जो मुल्क भर में काम आए। इन लोगों ने गफलत पीटीआई के लोगों ने गफलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए गवादर की बंदरगाह पे काम बंद कर दिया। गवादर जो इस इलाके का सबसे गहरा पानी का बंदरगाह था, इस वक्त रेत और गाड़े से अटी पड़ी है। पीटीआई हुकूमत ने मोहम्मद नवाज शरीफ के मुल्क भर में मोटरवे के जाल बिछाने के विजन को भी नुकसान पहुंचाया और दानिश्ता तौर पर चीन के सरहद से कराची और गवादर तक मोटरवे के रूट को जगह जगह से नामुकम्मल रखा ताकि तरक्की के ये रास्ते कहीं पाकिस्तान में खुशहाली न ले आए। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान भर को आपस में मिलाने वाली रेलवे ML1 के जदीद बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख्वाब को अमली जामा पहनाने में रुकावटें खड़ी की और पाकिस्तान को जदीद बनाने की इस अहम मंसूबे को शुरू ही नहीं होने दिया।
पौने चार साल तक इमरान खान बस बातें करते रहे और कुछ काम नहीं किया, और इस तरह कौम का इंतहाई अहम वक्त जाया करके दोबारा हेलीकॉप्टर पर बैठकर बनीगाला चले गए। मैं उन्हें कहूंगा, ये अकबर अलाहाबादी के शेर का दूसरा मिसरा इस्तेमाल करते हुए, मैं उन्हें कहूंगा कि तुम्हारी तो फकत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। अब मैं तरक्कियाती प्रोग्राम की तरजीहात गोश गुजार करता हूं। हम जारी मंसूबों को मुकम्मल करने पर तवज्जो देंगे ताकि इन पर लगाई गई रकमें जाया ना की जाएं, जाया ना हो जाएं। आबादी कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा रकम बलूचिस्तान के तरक्की पर खर्च की जा रही है ताकि बलूचिस्तान को मुल्क के बाकी हिस्सों के बराबर लाया जा सके। सूबों और खसूसी इलाका जात आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए PSDP में रकम बढ़ाकर 136 अरब रुपए कर दी गई है। पानी का जखीरा करने वाले डैम हमारी सबसे बड़ी तरजीह हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक मोमन डैम और दियामीर बाशा डैम के वक्त से पहले मुकम्मल करने में के लिए इजाफी रकूम मुख्तस की गई हैं। चीन की सरहद से दोनों बंदरगाहों को मिलाने वाली शाहराओं के लिए को सिलसिले को मुकम्मल किया जाएगा। CPAC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्तदादी जोन के मंसूबों में तेजी लाकर कौमी तरक्की की रफ्तार बढ़ाना और बरामदाद में इजाफा करने पर तवज्जो दी जा रही है। मैं यहां पर यह भी बताता चलूं जनाब स्पीकर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क में 4 नॉलेज पार्क भी वफाकी हुकूमत के खर्चों में 4 सूबों में बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह मुल्क की जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हमारी तरजीह है। मजमूई तौर पर इसके लिए 395 अरब रुपए रखे गए हैं। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम को बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए की रकम मुहैया की गई है, जिसमें से 12 अरब रुपए वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक मोमिन डैम की जल्द तकमील के लिए खर्च किए जाएंगे। पानी का ये जखीरा ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे की जल्द तकमील से किसानों को फायदा पहुंचेगा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये बात बताता चलूं कि पौने 4 साल PTI रही, लेकिन 1% भी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस कम नहीं कर सकी, बल्कि जहां पर हम छोड़ के गए थे वहां से डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लॉसेस बढ़ा दिए। ये जो 73 अरब रुपए PSDP के अंदर रखे गए हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में कमी आएगी ताकि हम बिजली की नरखों में कमी कर सकें। तवानाई से मुंसलिक शोबे आबी वसाइल का है। बड़े कसीरुल मकासद डैमों, खास तौर पर दियामीर बाशा, मोमन, दासू और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 100 अरब रुपए की रकम शामिल की गई है, जबकि छोटे डैमों, निकासी आपकी स्कीमों, कमतर तरक्की याफ्ता इजला को तरजीह दी गई है। तवानाई और आबी वसाइल के प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जिसके लिए कुल 183 अरब रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट और मौसूलात, जनाब स्पीकर, शहरों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। अवाम को मौसूलात की सहूलत से न सिर्फ सनत और तिजारत की तरक्की मिलती है और किसान को मंडियों तक रसाई मिलती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया होता है। माजी में हमारा तुर्रा जी मैं थोड़ा पीछे से सेंटर में और किसानों को मंडियों तक रसाई मिलती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। यही माजी में हमारा तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमने मोटरवेज शुरू किए हैं, इनकी तकमील की है और आज ये मोटरवेज लाखों लोगों को रोजाना की बुनियाद पर से इस्तेमाल हो रहे हैं। हुकूमती सरमायाकारी के अलावा हम शाहराओं की तामीर के लिए गैर सरकारी सरमायाकारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। निजी शोबे के इश्तराक से शाहराएं तामीर करने को मजीद फरोग दिया जाएगा। सोशल सेक्टर, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान SDGs का सिग्नेटरी है और SDGs के अहदाफ हासिल करने के लिए कोशां है। इस प्रोग्राम में अवाम को बराए रास्त शहरी सहूलियात दी जा रही हैं। अवाम की जिंदगी आसान बनाने और अंडर प्रिविलेज अवाम के खिदमत के लिए SDGs की मद में 70 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा समाजी शोबे में मुतद दूसरी स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं।
तालीम और नौजवानों के लिए प्रोग्राम, हमारी हुकूमत ने जारी ये प्रोजेक्ट्स की तकमील को तरजीह दी है। बजट में आला तालीम के मंसूबों के लिए 51 अरब रुपए के रकम रखने की तजवीज़ है। सेहत, अवाम को सेहत की बेहतर खिदमात की फरहमी, बीमारियों का सद्देबाब और इन पर काबू पाना, तिब्बी आलात की फरहमी और वैक्सीन और सेहत के इदारों की सलाहियत कार में इजाफे के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। माहौली तब्दीली, जनाब स्पीकर, इस मुश्किल वक्त में भी हम माहौली तब्दीली की अहमियत से गाफिल नहीं। इससे निमटने के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें शजरकारी और कुदरती माहौल बेहतर बनाने के दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। जनाब स्पीकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT, हुकूमत ने IT शोबे में तरबियत देने, नौजवानों को लैपटॉप फराहम करने, नेटवर्क बेहतर करने और आईटी बरामदात को फरोग देने के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी, जनाब स्पीकर, ज़रई शोबे में जदीद जिद्दत और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, लेजर से जमीन हमवार करने, आपाशी में जिद्दत लाने, मयारी बीजों के फरहमी और ज़रई पैदावार की बरामद के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। सनत और ज़रई पैदावार, जनाब स्पीकर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज फराहम करने के लिए इकदाम अगले साल के मनसूबे जात में शामिल हैं, ताकि मुल्की और बैन अलावामी मंडियों में मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके। आला टेक्नोलॉजी पर मुबनी वैल्यू एडेड बरामदात, मौसर मार्केटिंग, मादनियात के शोबे और इंडस्ट्री के दीगर शोबे जात में सरमाएकारी के लिए बजट में 5 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। आखिर में जनाब स्पीकर, मेरे शहर कराची में K4 के लिए भी 20 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, हम अब हिस्सा दोम इनलैंड रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। जनाब स्पीकर, इस साल टैक्स पॉलिसी की बुनियादी उसूल ये हैं, डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स पर ज्यादा इन्हिसार होगा, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स पर टैक्स का निफाज होगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का फरोग होगा और प्रोडक्टिव एसेट्स की हिफाजत की जाएगी और खास तौर पर साहिब सर्विस अफराद पर नए टैक्सेस का निफाज होगा। जैसा कि सब जानते हैं, पाकिस्तान में सरमाएकारी के लिए साजगार माहौल मुयसर नहीं और ना ही टैक्स का मौजूदा निज़ाम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि हौसला अफजाई करता है, बल्कि ये नए कारोबार की हौसला शिकनी करता है, जबकि रियल स्टेट में सरमाएकारी का हौसले अफजाई करता है। ये यकीनन एक नाखुशगवार पहलू है और इस माशी तरक्की में रुकावट डालता है। ये रियल स्टेट की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बनता है, जिसके रिहायशी सहूलत मुतवासित तबके और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। इस नॉन प्रोडक्टिव सरमायाकारी से हासिल होने वाली रकम एक तरफ महंगाई का सबब बनती है तो दूसरी तरफ माशरे में बेचैनी का जरिया बनती है। हम रियल एस्टेट सेक्टर की हौसला शक्नी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस शोबे को ऐसी सिमत में लेकर जाना चाहते हैं जहां ये शहरों की तरक्की का इंजन बन सके। हमारी तजवीज़ है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के कल्चर को फरोग देना है, जो सारी दुनिया में राइज है। इससे गैर तामीर शुदा प्लाटों में स्पेकुलेशन पर मबनी सरमाकारी की हौसला शिकनी की जा सकेगी। ये हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने के लिए इरादा रखती है। बदकिस्मती रही है कि इनकम टैक्स की वसूली का बड़ा हिस्सा विदहोल्डिंग टैक्स पर मबनी है। दरअसल विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम न सिर्फ टैक्स के ढांचे में बिगाड़ पैदा करता है, बल्कि कारोबार करने में मुश्किल का सबब बनता है। हमारी हुकूमत का मकसद इस बिगाड़ को खात्मा करना है। हमारी तरजीहात हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स की तादाद को कम करना है, फाइनल टैक्सेस को मिनिमम टैक्सेस में तब्दील करना है और मिनिमम टैक्सेस को एडजस्टेबल टैक्सेस में तब्दील करना है। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के रिलीफ मेजर्स के हवाले से चंद अहम तजावीज पेश करना चाह रहा हूं। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह, जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला है गया है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए
टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज की है। इससे तनख्वाहदार लोगों को फायदा होगा, जिससे एक मुस्बत माशी साइकिल पैदा होगा और ये रकम कारोबार में इजाफे का सबब बनेगी। मजीद बरां इससे तनख्वाहदार अफराद की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा और मुस्तकबिल में ज्यादा टैक्स महसूलात के जरिए कौमी मईशत को भी फायदा पहुंचेगा। जनाब स्पीकर, बिजनेस इंडिविजुअल्स और एओपी के लिए टैक्स की शरह महंगाई के पेश नजर बिजनेस इंडिविजुअल्स और एओपी के लिए छूट की बुनियाद 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की तजवीज की है। बहबूद सर्टिफिकेट पर टैक्स की शरह, इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज है। रिटेलर्स के फिक्स के लिए फिक्स टैक्स का निजाम, छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निजाम तजवीज किया जा रहा है, जिसमें टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का आसान निजाम लाया जाएगा जो रिटेलर हजरात के लिए बहुत आसान होगा। ये टैक्स 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा और ये एक फाइनल सेटलमेंट होगी। मैं इस बात की जमानत देता हूं कि इस टैक्स की अदायगी के बाद FBR आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछने का मजाज नहीं होगी। जनाब स्पीकर, इनिशियल डिप्रिसिएशन, सनती इदारों और दीगर कारोबार को पहले साल में 50% इनिशियल डिप्रिसिएशन चार्जेस का एडजस्टमेंट करने की इजाजत थी, जो सनती इदारों के लिए इजाफी बोझ और माली मुश्किलात का बायस बन रही थी। लिहाजा हमने इनिशियल डिप्रिसिएशन की मद में पहले साल 100% एडजस्टमेंट की इजाजत देने की तजवीज पेश की है। जनाब स्पीकर, इम्पोर्ट स्टेज पर सनती इदारों से वसूल किए गए टैक्स की एडमिसिबिलिटी, मौजूदा टैक्स निजाम में खाम माल की दरामद पर वसूल किए गए एडवांस इनकम टैक्स आमतौर पर एडजस्ट नहीं किए जा सकते, जिससे कारोबारी तबके की वर्किंग कैपिटल को शदीद नुकसान पहुंचता है और इनके कारोबार बुरी तरह मुतासर होते हैं। लिहाजा ये तजवीज दी जाती है कि दरामद के वक्त सनती इदारों से हासिल होने वाले तमाम टैक्सों को एडजस्टेबल कर दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट के अवाम दोस्त निकात और मईशत की पैदावारी या प्रोडक्टिव शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के फरोग के लिए तजावीज पेश करता हूं। मेरी ये तजवीज़ गैर पैदावारी नॉन प्रोडक्टिव शोबे में होने वाली सरमायाकारी को पैदावारी शोबों में मुंतकिल करने की काविश है। डीम्ड रेंटल इनकम पर टैक्स, जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि साहिब हैसियत अफराद की दौलत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर में मौजूद है। ये दो धारी तलवार है, इससे एक तरफ तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट जमा होते हैं और दूसरी तरफ गरीब और कम आमदनी वाले तबकों के लिए मकानात की कीमतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा हम इस अदम तवाजुन को दुरुस्त करने का इरादा रखते हैं। हम वो तमाम अफराद जिनकी एक से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तसव्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। ताम हर किसी का एक अदद जाती रिहायशी घर इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेन देन पर टैक्स, जनाब स्पीकर, मौजूदा माशी मुश्किलात साहिब हैसियत अफराद से जज्बा ईसार और कुर्बानी का तकाजा करती हैं और जरूरत इस अमर की है कि साहिब सरवत तबका आगे बढ़कर कौमी तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करे। लिहाजा हम टैक्स के एक ऐसा निजाम वजह करने का इरादा रखते हैं जहां तमाम तबकात के असासों पर मसावी तरीके से टैक्स लगाया जाए। अब पाकिस्तान में वाकई इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स पर 1 साल होल्डिंग पीरियड की सूरत में 15% टैक्स लागू करने की तजवीज़ है, जो हर साल 2.5% की कमी के साथ 6 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद की सूरत में 0 हो जाएगा। मजीद बड़ा फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स
कि खरीदो फरोख पर एडवांस टैक्स की शराब मौजूदा शराब 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शराब बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। हायर इनकम पर्सन पर टैक्स, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन माशी हालात से दो चार है, लिहाजा वक्त का अहम तकाजा है कि साहिब जायदाद तबका आगे बढ़े और अपने वसाइल और आमदन के मुताबिक अपने हिस्से का पूरा टैक्स अदा करे, अहम कौमी जिम्मेदारी निभाने और गरीबों की दुआएं ले। वक्त आन पहुंचा है कि टैक्स का बोझ गरीब से अमीर की तरफ मुंतकिल करने के लिए तमाम अफराद बशमूल कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनकी सालाना आमदन 300 मिलियन रुपए या 30 करोड़ रुपए से जायद हो, इन पर 2% टैक्स अदा करने की तजवीज है। लग्जरी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स, जनाब स्पीकर, साहिब हैसियत तबके पर टैक्स का बोझ मुंतकिल करने की हमारी इस पॉलिसी के तसलसल में 1600 सीसी से जायद की मोटर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। मजीद बड़ा इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% शराह की 2% की शराह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शराह मौजूदा 100% से बढ़ाकर 200% की जाएगी। विंडफॉल गेन पर टैक्स, बैंकिंग सेक्टर ने आला शराई सूद और सरकारी सिक्योरिटीज में महफूज सरमायाकारी की वजह से गैर मामूली आमदन हासिल की है, लिहाजा टैक्स की हकीकी सलाहियत को हासिल करने के लिए बैंकिंग कंपनियों पर टैक्सेस की मौजूदा शराह 39% से बढ़ाकर 45% करने की तजवीज है, जिसमें सुपर टैक्स भी शामिल होगा। अब कौमी मईशत को दस्तावेजी या डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए हम चंद अहम तजावीज पेश करता हूं। पाकिस्तान में टैक्स रिफंड रेजिडेंट बनने का मयार, जनाब स्पीकर, टैक्स के निफास को यकीनी बनाने के लिए रिहायशी शख्स यानी कि रेजिडेंट पर्सन का मुतयन करना का मयार में तरमीम की जा रही है। साहिब हैसियत अफराद की जानिब से मौजूदा सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत वो किसी भी मुल्क के टैक्स रेजिडेंट्स नहीं हैं, लिहाजा तजवीज़ है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो किसी दूसरे मुल्क का टैक्स रेजिडेंट्स नहीं है, इसे पाकिस्तान का रेजिडेंट तसव्वुर किया जाएगा। बैरल अक्वामी कार्ड की अदायगियों पर एडवांस इनकम टैक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर्स के लिए 2% की शरह से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा, ताहम ये टैक्स वाजिबुल अदा टैक्स के खिलाफ एडजस्टेबल होगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज के इकदाम, जनाब स्पीकर, इनडायरेक्ट टैक्सों की वसूली में इनलैंड रेवेन्यू ने FBR के मजमूई टैक्स महसूलात में सेहतमंद इजाफा किया है। मालियाती खसारे को पूरा करने की जरूरत के पेश नजर ये जरूरी है कि हुकूमत वसी तर कौमी मफाद में सख्त फैसले करे, और वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क्यादत में हुकूमत ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया है कि वह ऐसे फैसले लेने की सलाहियत और इरादा रखती है जो मुश्किल भी हैं लेकिन कौम के लिए जरूरी हैं। सेल्स टैक्स रेवेन्यू दरअसल कौमी महसूलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन वजीर आजम के विजन के मुताबिक मौजूदा बजट की तजवीज़ का मकसद इन शोबों पर टैक्स लगाना है जो या तो टैक्स नेट से बाहर रह गए हैं या दायरा कार में रहते हुए अपने असल सलाहियत के मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते। जनाब स्पीकर, वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक टैक्स बेस को वसी करके टैक्स नादहंदगा शोबों पर तवज्जो मरकूज करके महसूलात में इजाफा करना चाहती है, वहीं हुकूमत टैक्सों में रिलीफ को भी बढ़ाना चाहती है ताकि मुल्क में आम आदमी को फायदा पहुंच सके। पाकिस्तान तवानाई की शदीद किल्लत का शिकार है, ईंधन की कीमतें आसमान को छू रही हैं जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी महंगी है। रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना हर मुमकिन रास्ता है रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना ही मुमकिन रास्ता है, लिहाजा सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तना देने की तजवीज है। इसके अलावा 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से आसान इकसाद पर कर्जा दिलाया जाएगा, इससे माहौल दोस्त तरीके से बिजली पैदा करने को फरोग मिलेगा और दरामद शुदा महंगे तेल और गैस के इस्तेमाल में कमी वाकई होगी।
زراعت کو آسان بنانے کے لیے ٹریکٹر، زرعی آلات، گندم، مکئی، کنولا، سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے. خیراتی ہسپتال کی سہولت میں کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. خیراتی ہسپتالوں کو درآمد اور درآمد عطیات اور 50 یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، ٹیکس پیئرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی تجویز ہے، جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جن پر 10 کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ ADRC سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نئے میکنزم کے تحت ٹیکس دہندگان ADRC میں اپنا ایک نمائندہ اپنی مرضی سے نامزد کر سکتے ہیں، دوسرا نمائندہ FBR کا افسر ہوگا اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پیئر اور FBR کے باہمی رضامندی سے نامزد ہوگا. اس میکنزم کے بدولت 3 میں سے 2 ممبر ٹیکس دہندگان کی مرضی سے نامزد ہوں گے. نہ صرف کوشچنز آف فیکٹ بلکہ کوشچن آف لا بھی کمیٹی میں لایا جا سکتا ہے، اور فیصلہ اتفاق کے رائے کے بجائے اکثریت رائے سے ہوگا. لہذا میں تمام ایسے ٹیکس دہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ ADRC کے ذریعے معاملات طے کر لے گی. اس طریقہ کار کو اپنانے سے عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور عوام کو سہولت میسر ہوگی. پاکستان کسٹمز، جناب اسپیکر، اس بجٹ میں زراعت سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لاجسٹکس کے لیے بہت سی امدادی اقدامات کیے گئے ہیں. زرعی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے زرعی مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، جس میں آپاشی، نکاسی آب، کاشکاری، فصلوں کی کٹائی اور اس کی پروسیسنگ، گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زرعی صنعتوں کے ساز و سامان، مشینری اور زرعی شعبے پہ قائم صنعتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. ملک میں صنعتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف مینوفیکچرنگ سیکٹر سے متعلقہ 400 ٹیرف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی، اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے، جس میں سے 350 آئٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے. ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاؤں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دی گئی ہے. تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جا سکے. جناب اسپیکر، چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیرف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے. فارماسیوٹیکل سیکٹر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 سے زیادہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی صنعت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثنا دیا گیا ہے، تاکہ اسے میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاگت مزید کم ہو سکے. اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیرف سے چھوٹ اور رعایتیں دی گئی ہیں. جناب اسپیکر، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سگریٹ کا شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے. ہم نے سگریٹ کے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے، 3 کمپنیوں پہ لگایا ہے، اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پہ بھی لگایا جائے گا. ہم نے سگریٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کرایا ہے، اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو 150 ارب روپے اس کو بڑھا کر 200 ارب روپے سے زائد کر دیا جائے.
मुंदरजा बाला तजावीज़ दरअसल मुल्क की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने, मुल्क में एक शफाफ और मौसर टैक्स निज़ाम राइज करने और कारोबार में आसानी और हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाने की के लिए पेश की गई हैं, जिन पर अमल दरामद करने के जरिए हुकूमत के विजन को अमली जामा पहनाने के अमल में यकीनन मावनत मिलेगी। मुल्क इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है, मगर फिर भी हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर हो गई है, खास तौर पर तनख्वाहदार तबके की। लेकिन इन शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इकदामात किए जा रहे हैं, खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की एक देरीना डिमांड थी कि उनके एडहॉक रिलीफ एडहॉक मेजर्स को बेसिक पे में मर्ज किया जाए, यह भी फैसला कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, सब जानते हैं कि मुल्क की मईशत सख्त दबाव में है, मगर ये भी सब जानते हैं कि हमने हमेशा कौम की खिदमत को अपनी तरजीह समझा है। इस भंवर से निकालने के लिए अवाम की नुमाइंदा इत्तेहादी हुकूमत किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि अवाम के पुरजोर हिमायत और अल्लाह के फजल व करम से मुल्क की मईशत को इस बहरान से निकालेंगे। आखिर में पूरी कौम से अपील है कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से दोचार है, इनकी इसलाह के लिए हम सबको मिलकर अपनी तमाम तर तवानाई और तवज्जो मुल्क की तरक्की पर मरकूज करनी होगी। हमें हम आहंगी और भरपूर जज्बे के साथ कोशिश करना होगी और साबित करना होगा कि हम एक जिंदा कौम हैं। बकौल मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के, वो कल के गमो ऐश पर कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है। वो कौम नहीं लाए के हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं है।